हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चित्रा मेकओवर में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटर पनीर की रिकैप दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए हमें कुछ मिर्च, कुछ लहसुन, कुछ अदरक, टमाटर, कुछ प्याज, मटर एंड पनीर की ज़रूरत है, और कुछ सूखे मसाले, मेथी। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस सब सामग्री को इकट्ठा करके अब हम इसको पीसेंगे, और जब तक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। अब तेल गरम होने रखेंगे, इसमें कुछ तेज पत्ता और जो हमने सारा सामग्री पीसा है उसको डाल देंगे। कुछ मेथी पत्ता, अब हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वादानुसार, और इसमें मैंने धनिया, मिर्च, हल्दी, मसाला सब मिला के रखा है। सब डालकर उसे अच्छे से हिलाएंगे। मसाला अच्छे से भून जाना चाहिए, और लाल मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से, आपको कितना तीखा पसंद है वैसा डाल सकते हैं। अब आपका मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, जो मैंने पहले से ही पीस के रख ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट इसको ऐसे ही अच्छे से चलाएंगे कि हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाएं। पर इसमें हम अपने मटर डाल देंगे, जो हमने वॉश करके रखे हैं। उनको अच्छे से इसमें मिला देंगे, और कुछ टाइम इसे हम ऐसे ही भूनने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। पूड़ियाँ बनानी है। पूड़ी के लिए मैंने आटा लिया, उस पर नमक डाला थोड़ा सा, और कुछ अजवाइन डाल दी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी कि जिससे ये पूरे आटे में मिक्स हो जाए। अब मैं इसको गूंद लूंगी। हमारा आटा सन गया है, इसे अच्छे से करके
कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छे से मलना है, थोड़ा कड़क रखना है क्योंकि हमने इसकी पूड़ी बनानी है। इसे अच्छे से मल के अब इसको हम कुछ टाइम रेस्ट के लिए ढककर रख देंगे। देखो अब हमारी सब्जी में ऑयल छोड़ दिया है। इसलिए अब इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो पनीर हमने काट के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ढक देंगे कुछ देर पकने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, देखो अब हमारी सब्जी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। और 2 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। इधर हमने तेल चढ़ा दिया है फ्रेंड्स पूड़ी के लिए, और पूड़ी के आटा भी रेडी है। इसको एक बार कर लेंगे। आटा भी तैयार है। अब हम इस आटे की लोई तैयार करेंगे। उसमें हल्का सा तेल लगाकर पूड़ी को कर लेंगे। और इसे गरम तेल में, जब तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद इस पूड़ी को हम इस पे ऐड कर देंगे। पूड़ी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमारी पूरी तैयार है और जब तक ये होगी और हम दूसरी तल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मटर पनीर की सब्जी एंड पूड़ी एंड पापड़ रेडी हैं। टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है।
यम्मी।